अब फैमिली पॉलिटिक्स की बात आपने छेड़ी बीजेपी हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात करती है कांग्रेस का मजाक उड़ाती है शहजादा शहजादा करके के के बारे में सपा के बारे में लेकिन आपको नहीं लगता कि सभी राज्यों में अगर आप देखें लोगों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज एन एक्सेप्टेड थिंग इट्स नॉट सच बिग थिंग नहीं है मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है लेकिन देखिए किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी पॉलिटिशियन बने इससे हमको कोई दुख नहीं है या वी आर नॉट अपोज टू इट क्यों नहीं बने पॉलिटिशियन का बेटा भी बन सकता है बेटी भी बन सकती है पॉलिटिशियन पदों पर भी जा सकती है हमारा कहना इतना ही है कि केवल उनका बेटा है इसलिए वो सर्वोच्च पद पे जाएगा कैपेसिटी न भी हो कैलिबर न भी हो समझ न भी हो तब भी, हो, तब भी वो जाएगा इस प्रकार के पॉलिटिक्स को हम डायनास्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं ये गलत है और देखिए कुल मिलाकर डायनास्टिक पॉलिटिक्स का जो हम लोग उसका अंजाम देखते हैं अल्टीमेटली गवर्नमेंट सर्व फैमिली गवर्नमेंट डजन सर्व पीपल ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एंटायर मशीनरी सर्विंग इट्स नॉट सर्विंग पीपल ये प्रॉब्लम है हाँ ये जरूर है देखिए एक हमारे यहां पर कई सालों से एक रॉबिनहुडिज्म पॉलिटिक्स चली है जिसके चलते फैमिलीज रूल्ड और आज भी कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी के आने के बाद यह थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे ये कम होगा और उसके बाद डायनास्टी वही चलेगी जो केवल सेवा करेगी लोगों की जो खुद की फैमिली के लिए सरकार चलाएगी वो नहीं चलेगी